वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पीआईसी वर्सेस टीडब्ल्यू के बीच होने वाले आज के तीसरे टी10 मैच के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया, 5 ओवर का गेम है, आपको बहुत सोच समझ के टीम्स को रेडी करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कौन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, कौन कितना इंपॉर्टेंट बॉलर है, क्योंकि 5 ओवर में केवल जो मेन बॉलर होंगे उनको बॉलिंग मिलेगी और जो टॉप हिटर्स है उनको बैटिंग मिलेगी, ठीक है? तो ध्यान से देखना वीडियो को। बाकी जो अभी पहला मैच चल रहा है पीआईसी का ही मैच है, तो पीआईसी का मैच आप देख सकते हो। मतलब मैंने ज़्यादा कॉन्टेस्ट तो ज्वाइन नहीं किए, 100 कॉन्टेस्ट है, बट सभी में, क्योंकि देखो सिंपल सा रीज़न है, अपने पास डिफरेंशियल टीम हमेशा रहती है चाहे हारे या जीते। मोमान का सिलेक्शन 29%, 1 ओवर में अपना काम बंदक कर गया। इसी तरीके से इस मैच में भी आपको डिफरेंशियल चीज़ें देखनी है जो विन करवाए आपको, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। बाकी उससे पहले एक छोटा सा काम कहना चाहूँगा, वीडियो लाइक नहीं किए जरूर कर दें। चैनल पे आप नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, आते जाते रहते हो, तो सब्सक्राइब भी करें ताकि अगली वीडियो आपको मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है टेलीग्राम से ज्वाइन होना। देखो टेलीग्राम से ज्वाइन होने का सिंपल सा रीज़न है, और वो रीज़न है फाइनल जो आपको टीम मिलेगी ना वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। और ये वैसे भी टी10 फॉर्मेट है, पहले बैटिंग ऑर्डर का इंतजार करो, उसमें कौन बैटिंग मतलब कैसे करने आए। देखो बैटिंग ऑर्डर वही बात हो गई, तो बैटिंग ऑर्डर टी10 फॉर्मेट के 5 ओवर गेम में कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हो, तो इसीलिए मेन काम टेलीग्राम पे होगा, ज्वाइन कर लेना है डिस्क्रिप्शन के लिंक से। तो 13वां मैच होगा ये, ठीक है? और उसके अलावा अब हम बात करते हैं पीआईसी। देखो अभी एक मैच चल रहा है पीआईसी का, ठीक है? अब देखते हैं वो जीतती है या हारती है। अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम रही है पीआईसी। टीडब्ल्यू की बात आती है, टीडब्ल्यू भी गजब की टीम है, 5 में से 4 मैच विन है। प्रोबेबल 11 में देखो टीडब्ल्यू की साइड से मोस्ट प्रोबेबली क्रिस विलियम्स, एलेक्स विलियम्स के साथ ओपनिंग करेंगे। वरना बनाएंगे मार्कस और रियोडन, फिर आएंगे डेविस स्मिथ, फिर आएंगे विराज भाटिया, क्रिश्चियन डेविस, माइकल बोलर, मैट बार्कर, इयान मैकलिन और लियाम बुटेरली, बेली व्हाइटमैन। ये इनकी प्रोबेबल 11 है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ओपनिंग बॉलिंग में माइकल बोलर रियोडन के साथ आएंगे और डेथ में आएंगे डेविस। देखो अब तो ये 10 ओवर का गेम तो है नहीं, है ना? तो 5 ही बॉलर बॉलिंग के लिए आएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि 1 बॉलर 2 ओवर करेगा, नहीं, 5 बॉलर आएंगे 1-1 ओवर बॉलिंग के लिए। अब 5 बॉलर में जो मेन बॉलर है ना वही बॉलिंग के लिए आएंगे। सबसे पहले जो मार्कस रियोडन है आपको 1 ओवर करता हुआ दिखेगा। दूसरा प्लेयर आपको यहाँ से जो बेली व्हाइटमैन है, ये भी मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 ओवर करता हुआ दिखेगा। तीसरा बॉलर दोस्तों आपको यहाँ से जो मैट बार्कर है, ये भी आपको 1 ओवर करता दिखेगा। तो 3 प्लेयर का तो मैं लगभग दूँ कि हाँ भाई ये तो बॉलिंग करेंगे। अब बाकी के 2 प्लेयर जो है ना उसमें देखो, एक तो आपके पास डेव स्मिथ है जो 8 मैच में 9 विकेट लेके आ रहे हैं, और एक प्लेयर दोस्तों आपके पास इयान मैकलिन है, एक आपके पास माइकल बॉलर है, लियाम ये तो करेगा नहीं। तो 3 बॉलर मिलके 2 ओवर करेंगे, ठीक है? 5 ओवर होंगे ना, तो 5 में देखो एक एक का बता देता हूँ जो फिक्स है। बेली व्हाइटमैन 1 ओवर करेगा ही करेगा, उसके अलावा यहाँ से मार्कस रियोडन 1 ओवर करेगा ही करेगा, तीसरा प्लेयर यहाँ से मैट बार्कर। ये 3 प्लेयर हो गए, बाकी की 2 ओवर के लिए इनके पास 3 प्लेयर है। कौन कौन है? एक तो रहेगा यहाँ से डेविस स्मिथ, ठीक है? दूसरा प्लेयर रहेगा आपके पास इनके मतलब इनके लिए वो रहेगा माइकल बॉलर, और तीसरा प्लेयर जो रहेगा वो इयान मैकलिन, ठीक है? तो ये 3 प्लेयर मिलकर 2 ओवर करेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है, क्योंकि अगर बॉलिंग के ऑप्शन मतलब नहीं भी, देखो 5 ओवर के अलावा तो बॉलिंग होगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैचेस है ना, तो मेन बॉलर ही बॉलिंग करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बेंच में तो शायद कोई ना खेले। सेकेंड टीम पीआईसी है, बाबर एहसान ओपनिंग करेंगे। एहसान अभी लास्ट मैच में 0 पे गए, और अब हाई चांस है जो है कि इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। फिर सिकंदर अली है, आफ्रेदे दोस्तों यहाँ से कामरान है, फिर सिकंदर अली है, आबिद महबूब है, शेरोज अहमद है। शेरोज अहमद क्या है ना, बैटिंग के लिए ऊपर भी आ सकते हैं। अभी जो पहला मैच चल रहा है ना उसमें इन्होंने सेकंड राउंड बैटिंग की है, तो मैं भी 5 ओवर का गेम तो वैसे भी है, और ये फिर क्या है टीम के कैप्टन भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको टॉप ऑर्डर में दिख सकते हैं ये इस मैच में भी, जो कि लास्ट मैच में है, ठीक है? फिर माजिद हनीफ है, असद अब्बास है, आतिफ मोहम्मद है, अदील शफाकत है, हसन अली के पहले इसमें जो मोहम्मद मोहतिशिम है ना वो खेल लेते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इस मैच में हसन अली खेलेंगे या मोहतिशिम खेलेंगे, ये तो मैंने लास्ट मैच के बेस पे लिया है। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे ओपनिंग एंड डेथ के मतलब मेन बॉलर, तो बाबर कामरान एक बार फिर से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इनके 5 बॉलर तो मैं बता सकता हूँ, तीसरा रहेगा सिकंदर अली, चौथा रहेगा शेरोज अहमद, 4 ओवर मतलब 4 बॉलर हो गए। 5वें में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखो इनके पास शफाकत भी है, आतिफ मोहम्मद भी है, तो इन दोनों में अगर आप देखोगे ना कि कौन करना चाहिए तो शफाकत के चांस ज़्यादा है, ठीक है? बाकी देखते हैं। तो ये इनका क्या है, बैटिंग ऑर्डर भी हो गया और इनके जो मेन प्लेयर हुए वो भी हो गए। अब इसके बाद आती है टीम की बात, तो टीम क्या है इस मैच के लिए वो देख लो। बाकी ये तो आपको बताइए, फाइनल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जो मैं आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कर चुका हूँ। अभी के लिए जो डेमो टीम है ना वो आप लोग देख लीजिए।
गाइस सबसे पहले तो आप ये जो मैच है ना, ये ड्रीम इलेवन पे स्कीप कर देना कम्प्लीटली, क्योंकि देखो इतने टाइम मतलब वीडियो जो मैंने बनाई थी ना बीच में रोकी आपने देखा, तो टीम कॉम्बिनेशन मतलब नहीं बन पाएगा कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, क्योंकि देखो वैसे तो बन जाएगा और जैसा आप जानते हो आपके पास क्रेडिट की इश्यू तो ओपोनेंट के पास भी आएगी, है ना। लेकिन जब किसी बात में कॉन्फिडेंस डाउन होना, जैसे अभी मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं ये वाला मैच ड्रीम पे विन कर सकता हूँ, इसीलिए मैं फैंटाफिट की टीम आपको दिखा रहा हूँ। या फिर अगर आप लोग खेल सकते हो ना तो एक ऐसे ऐप पे खेलना जहाँ पे क्रेडिट की इशू ना हो, वहाँ पे खेलोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक विकेट मतलब ऐसी टीम तो नहीं बना पाओगे, कन्फर्म गारंटी है, क्योंकि जो मेन प्लेयर है ना वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। अब ड्रीम पे क्या होता है, तीन बैट्समैन मिनिमम है, जबकि मतलब ही नहीं है तीन का लेने का, या फिर दो विकेट के बनोगे तो तीन ही ऑलराउंडर ले सकते हो, तो ये चीज़ें हैं, और जबकि ऑलराउंडर सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी टीम है इस मैच के लिए, मैं ये मैच फैंटाफिट पे ही खेलने वाला हूँ, ड्रीम पे ये मैच स्किप कर देना, बहुत मैच है उनमें खेल लेंगे। कैप्टन बाबर है, वाइस कैप्टन यहाँ से मोहम्मद कामरान है, बाकी जो चेंजेस होंगे वो मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, स्पीड इन्वेस्टमेंट इसमें कम करना, ठीक है, फैंटाफिट में भी कम करना, ऐसा नहीं है कि फैंटाफिट में अच्छी टीम बन रही है, नहीं, आपको बता देता हूँ टीम तो अच्छी बन रही है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन का गेम होगा, आपका फ्लॉप हुआ ओपोनेंट का चल गया आप हार जाओगे, तो ट्राई करना हेड टू हेड खेलो और इन्वेस्टमेंट कम रहे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में मतलब लास्ट तक बने रहने के लिए, बाकी तो देखो टेलीग्राम का आपको पता ही है, टेलीग्राम पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, ठीक है, कहाँ है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।